बीएसएफ ने रविवार को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जवानों को हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। बीएसएफ के मुताबिक शनिवार और रविवार की रात जवानों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार कर रहे घुसपैठिए की संदिग्ध हरकत देखी। जवानों ने लाइट मशीन गन से फायरिंग की, जिसमें आतंकी हथियार छोड़कर भाग गया। आज सुबह इलाके की तलाशी ली गई। इसमें एक AK-47 असॉल्ट राइफल, 2 मैगजीन 17 राउंड और 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन 20 राउंड बरामद किए गए। आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर डीके बूरा ने बताया कि कल रात सीमा पार कुछ हरकत देखी गई। जवानों ने तुरंत फायरिंग की। सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बैग और हथियार बरामद हुआ है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। रात को करीब 11 से 11:20 के बीच में जो फेंस और बॉर्डर के बीच में पाकिस्तान की तरफ जो धान का खेत है आगे, उसके अंदर कुछ क्रॉलिंग की हरकत, जो हमारा ड्यूटी पॉइंट है बॉर्डर के साथ साथ सब लगे हुए हैं, वो अलर्ट थे। उन्होंने देखा कि कुछ चावल के खेत में हरकत हो रही है, तो इमीडिएटली अलर्ट जो ट्रूप्स थे उसमें फायर किया गया। और फायर करने के बाद में जो हरकत है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि चावल का खेत करीब 2.5-3 फीट ऊँची फसल है उसके अंदर, और लेकिन पूरा एरिया उसको निगरानी में रखा गया। और सुबह जब सर्च किया तो एक बैग मिला जिसके अंदर हथियार और एमिनेशन बरामद हुआ, जिसमें एक AK-47 राइफल है, 2 मैगजीन करीब 17 राउंड हैं उसके अंदर, और इसी प्रकार से 2 पिस्टल हैं, दोनों फॉरेन मेड हैं, और उसमें भी 4 मैगजीन और 20 राउंड मिले। तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेशन बिड की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको कि अलर्ट ट्रूप्स ने मुस्तैदी से उसको नाकाम किया और बहुत अच्छी रिकवरी की।